नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा ही नहीं, मिथिलांचल के तमाम निवासी जो दरभंगा में भी रहते हैं और दरभंगा से बाहर देश के अन्य क्षेत्र में, उनकी सुविधा के लिए हमारा यह प्रयास काफी सफल हुआ है। YouTube में जाकर सर्च करते हैं दरभंगा टॉप 10 डॉक्टर और मिलते हैं आपको उन तमाम विशेषज्ञों की सही जानकारी, जिससे आप होते हैं लाभान्वित। आपको आज इसी क्रम में दिखाते हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रसाद, जो लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन है। इन्होंने रांची रिम्स से MBBS 1990 में किया था और डॉक्टर अमित ने KMCH कटिहार से मास्टर ऑफ सर्जन करने के बाद संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से सीनियर रेजिडेंट पर कार्य कर चुके हैं और दरभंगा में सहाय नर्सिंग होम के मार्फत से कार्य करते हुए दरभंगा ही नहीं मिथिलांचल के मरीजों के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इस अस्पताल की स्थापना मेरे माता पिता स्वर्गीय डॉक्टर अवध किशोर प्रसाद, डॉक्टर नीलम सहाय के द्वारा करा गया था। वो दोनों ही यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टेड थे और काफ़ी दिनों से, लगभग 80 के दशक से ही दोनों यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे और इधर उधर दूसरी जगह पर छोटी सी सेंटर हुआ करती थी। इस पार्टिकुलर इस जगह पर हमारी क्लिनिक 1990 के आसपास से आके शुरू हुई, इसी कैंपस में, उस समय से है। उसके बाद हम दोनों भाइयों ने भी पढ़ाई पूरी करके वहाँ वापस आए और फिर इसे और अधिक विकसित करके फिर यहाँ सुविधाओं का भी विस्तार हुआ। पहले सिर्फ ENT और गायनी की सुविधा थी, आज के डेट में सर्जरी, मेडिसिन, डायबिटोलॉजी एवं अन्य सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है। सर्वप्रथम MBBS मैंने राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, जो रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झारखंड रांची में है, वहाँ से मैंने करी है। उसके उपरांत मैंने दिल्ली में अपनी उच्चतम शिक्षा सर्जरी में और उसके बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज से मैंने उच्च स्नातक करा, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैंटीन है, RO का पानी है, 24 घंटे बिजली, AC के अलावा स्टाफों की सुविधाएं हैं, बाकी ऑपरेशन को लेके हर तरह के ऑपरेशन की सुविधाएं हैं। OT की सुविधा है यहाँ पे? OT हमारे पास दो अलग अलग OT हैं और 24 घंटे संचालित होते रहती हैं, क्योंकि यहाँ एक प्रसूति केंद्र भी है, मैटरनिटी सेंटर भी है, तो 24 घंटे ये होती रहती है। मैंने MBBS के बाद मास्टर ऑफ सर्जरी करा है और मैं मूलतः एक लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन ही हूँ और इसी क्षेत्र में मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरी सहाय नर्सिंग होम अपनी है, हम लोगों की अपनी, अपने पूरे परिवार की है और मैं मुख्यतः यहाँ ऑपरेशन करता हूँ और एक हॉस्पिटल रोड में सुरभि सर्जिकल सेंटर है, वहाँ पर ऑपरेशन करता हूँ। देखिए, चार्ज का हर ऑपरेशन के मुताबिक अलग अलग है। यहाँ के स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने अपना चार्ज इतना ही रखा है जिससे मरीजों को भी ज़्यादा ये ना पड़े। अब जैसे आप एक पित्ताशय गॉलब्लैडर की ऑपरेशन ही ले लें, अमूमन दिल्ली वगैरह में ये ऑपरेशन कराने का 2 से 2.5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। हमारे यहाँ ये कोशिश रहती है कि 20,000 रुपये तक भी मरीजों को अच्छे से अच्छे ऑपरेशन हो के और 3 दिन ये रह के वो हो जाए। हमारे यहाँ सर्जरी में सर्जरी की जितनी सारी काम है, लैप्रोस्कोपी एवं जनरल, वो सारी होती है। जैसे गॉल ब्लैडर का, पित्त की थैली का पत्थर, गुर्दे का पत्थर, अपेंडिक्स, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हर्निया, ये सारी लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा उपलब्ध हैं। इन्हीं, ये सारी ऑपरेशन शल्य क्रिया द्वारा भी, ओपन भी होती है, अमूमन हम सारे लैप्रोस्कोपिक ही करते हैं। अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं है, अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक नॉर्मल सा पार्ट है, छोटी आंत का एक डायवर्टिकुला है। अपेंडिक्स ना होता है, अपेंडिसाइटिस होता है जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत बार इन्फेक्शन होता है, एक छोटे से मल का टुकड़ा उसके मुंह पे जाके फंस गया, एक बहुत छोटी सी एक पतली सी नली होती है, वो फंस गया तो उसकी खून रुक गई, वो आगे पूरा सूजन होता है, पस बना जाता है। तो अगर किसी को अपेंडिक्स में सूजन हुआ है तो पहले दवाइयाँ, मरीज की स्थिति के अनुसार बहुत बार होता है, दवाइयों पे ही वो ठीक हो जाते हैं, उन्हें कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही कहीं किसी में लेट हो जाता है पहुँचने में मरीजों को, और वो सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पर डिपेंड करता है। ऑपरेशन, एक छोटा सा ऑपरेशन करके दूरबीन द्वारा पेशेंट को सुबह ऑपरेशन करके शाम में छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी 4 डॉक्टर हैं,
जिसमें मैं हुआ सर्जन, मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद वो डायबिटोलॉजिस्ट एवं फिजिशियन, मेरी भाभी डॉक्टर स्वाति सिखा और मेरी पत्नी डॉक्टर पल्लवी सहाय, दोनों स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। पारा मेडिकल स्टाफ मेरे पास 8 हैं और पूरे क्लिनिकल स्टाफ मिला लें तो 24 है। हमारी लैप्रोस्कोपी की मशीन जनरली जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही बनती है, वहीं से आती है। अभी कुछ भारतीय कंपनियों ने भी निकाला है, लेकिन जब हमने लिया था उस समय इनकी ही गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। स्ट्राइकर है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है और भी उन्हीं की 1458 सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और स्टोर्स की भी कुछ कुछ मशीनें हैं जो जर्मनी की ही कंपनी है और हमारे लैप्रोस्कोपी बनाने वाली सबसे पहले कंपनी है। देखिए, बवासीर होने की मुख्य वजह है कब्जियत, और कब्जियत का मुख्य वजह है समय पे ना खाना पीना, फिजुल फुजुल खा। अगर आपको कब्जियत नहीं हो रहा है तो बहुत कम संभावना है कि आपको बवासीर हो। तो उसके लिए ये है कि अपने भाई खान पान सही रखें, कब्जियत ना होने दें, बवासीर नहीं हो। अब हो गई बवासीर होने के बाद, बवासीर में ही अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अगर एकदम शुरुआत में आपको एक दो दिन खून आया, आपने तुरंत दिखाया, किसी को देख लिया, किसी डॉक्टर ने देखा, आपको दवाइयाँ दी, कुछ इलाज बताया, कुछ परहेजियाँ बताई, उससे एकदम बिल्कुल व्यक्ति ठीक रह सकता है, उसे कभी भविष्य में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत से मामलों में। और वही किसी ने इग्नोर किया कि कब्जियत है, ये है, बाद में वो हमारे पास आते हैं जिनके बवासीर के मस से बाहर लटक हो रहे होते हैं, खून इतना बह चुका रहता है कि उन्हें खून चलाने की नौबत आनी पड़ती है। तो बवासीर का दोनों है, वो हम एग्जामिनेशन करके ही डिसाइड करते हैं कि किस ग्रेड की पाइल्स है। जैसे आग्रह अगर पूरी ग्रेड 2 ग्रेड 3 है तो फिर ऑपरेशन करके ही उसकी छुटकारा संभव है, और नहीं तो फिर दवाइयों से ही और परहेज से वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अमूमन 15-16 साल के बाद से ही ये होने शुरू होती है। खान पान में फाइबर डाइट्स अधिक लेनी चाहिए, जैसे रेसे वाले सब्जियां सारी लेनी चाहिए, सारे फल लेने चाहिए, आटा अगर आप रोटी खा रहे हैं तो वो चोकर सहित हुआ होनी चाहिए। आजकल जो आटा मिल रही है जिसमें चोकर रहती ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कब्जियत की ओर, प्लस ये जितने फास्ट फूड हैं, तो ये सारी चीज़ें जीभ के लिए तो बहुत अच्छी है, टेस्ट लगेगा, लेकिन पेट के लिए क्या है, ये कब्जियत करती है। और कब्जियत जहाँ हो, आप निमंत्रण दे रहे हैं बवासीर को, तो जितनी भी रेसेदार सब्जियां खाएं, फल खाएं, भुजा खाएं, और समय का जरूर ध्यान रखें। पथरियां ज़्यादा पाई जाती थी, पर आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका एक मुख्य कारण है महिलाओं में ज़्यादा होने का कारण, महिलाएं बहुत समय तक खाली पेट रहती है, खासकर सुबह के वक्त। और एक कारण ये माना जा सकता है कि बहुत, क्योंकि पथरी बनती है वही पित्त जो लीवर में बनता है, उसको आके पित्त की थैली में जमा होता है और वो फैट पचाने के काम में आता है। वो अगर डाइट मिलता रहे, वो निकलता सिकुड़ता रहे, तो फिर वहाँ कुछ जमता नहीं है, इस कारण वहाँ पथरी नहीं बनती है, बहुतों में देखा गया है। बाकी आजकल के जीवन शैली में खान पान का हमारे सर्जिकल बीमारी से बहुत बड़ा योगदान है। खासकर पानी देख लीजिए, कम पानी जो पीते हैं उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन होगा, और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे मूत्र के सिस्टम में पथरी का कारण बनता है, जो कि बहुत बहुत बार पथरी के कारण गुर्दा खराब भी हो जाते हैं। पेशाब के नलकी में कोई अटका हुआ है, बहुत दिन से अटका हुआ है, तो पानी तो कम से कम 5-6 लीटर पीना ही पीना चाहिए, और खान पान को समय और खान पान की क्वालिटी पे एकदम ध्यान देना चाहिए। आजकल देखा गया है बहुत ही पेय पदार्थ बाजार में मिलते हैं, कोको कोला वगैरह और प्लास्टिक में बंद चीज़ें वाली चिप्स लोग ये खाते अपनी, तो ये सब अल्टीमेटली जाके अभी तुरंत कुछ नहीं कर रहा, आगे जाके आपके पाचन संबंधी एवं गुर्दा संबंधी कोई ना कोई बीमारी होनी ही होनी है। पत्थर पूरे गुर्दे के से लेके पूरे पेशाब के थैली तक के पत्थर, लीवर के अगर आप ले लें तो पित्त की थैली की पत्थर, जॉन्डिस, फैप्स, बहुत तरीके की बीमारियां हैं जिनका फिर सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसमें बहुत चीज़ों से बचा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि आप बिल्कुल ये करें तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, इस बात की कोई सही है नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ठीक रहेंगे आप। चीज़ों को लेके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे ऑपरेशन की तो सारी मतलब भर्ती की है, आईसीयू है, एक 24 घंटे को चलने वाली कैंटीन है, आरओ का पानी है 24। पहले तो आप बिहार मिथिला मंच न्यूज़ का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, मैं पहले से भी इसे देखते आ रहा हूँ, और मैं
न्यूज़ को शुभकामनाएं दूंगा उनकी सफलताओं के लिए। मरीजों को मेरा ये निर्देश है, स्वस्थ जिए, स्वस्थ रहें, खुशी होकर जिए, स्वस्थ रहें, दिनचर्या का पालन करें, खान पान पे सही ध्यान दें। इन सारी चीजों से 80% आपकी बीमारियां कम हो जाती हैं। एक सही दिनचर्या और सही खान पान अगर आपका रहे और मानसिक तनाव ना रहे तो आप बहुत कम पड़ता है कि आप बीमार पड़ेंगे। इन सब चीजों पे ध्यान दें और कोई भी छोटी चीज हो तो आज के डेट में उसे छुपाए ना, तुरंत चिकित्सक के पास जाए जो हर जगह उपलब्ध है। आजकल होता क्या है, ये बहुत सारे मरीज हमारे गलत इसके कारण खराब हो जाते हैं और उसमें नाम बदनाम होता है हमारे डॉक्टरों का। तो वो डॉक्टर के पास जाएं, कोई भी छोटी सी भी चीज है खुद से इलाज ना करें या कहीं पूछ पूछ के इलाज ना करें। डॉक्टर अमित कुमार प्रसाद, सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, सहाय नर्सिंग होम हॉस्पिटल रोड, हॉस्पिटल रोड मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने।